व्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास 2 है। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे हमने अपनी एक्सरसाइज 1 की है ना, कि जिसमें आपको यूनिट्स को इंटरचेंज करना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह के क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। अब पार्ट नंबर 1 में बच्चों वो क्या कह रहे हैं, देखें 52 किलोमीटर को चेंज करें किसमें, मीटर्स में, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद क्या है, 52 किलोमीटर इनटू किसमें चेंज करना है हमने, मीटर्स में, ठीक है। अब देखें किलोमीटर को किसमें चेंज करना है, मीटर्स में। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के, ठीक है। इधर आ जाएगा बच्चों 52 किलोमीटर। अब चेक करें किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के, ठीक है। इधर आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई किलोमीटर को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, मीटर्स में, तो इधर आ जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। 52 वन दा 52 1 2 3 1 2 3 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर क्या है, बी वाला। बी वाले पार्ट में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन बच्चों आपके पास क्या है, 21 किलोमीटर 103 मीटर इनटू मीटर में चेंज करना है। अब सबसे पहले देखें इधर किलोमीटर है और यहाँ पे मीटर है, चेंज किस में करना है बच्चों, मीटर में चेंज करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 21 किलोमीटर 103 मीटर है। अब देखें यहाँ पे किलोमीटर में तो हम मीटर ऐड नहीं कर सकते, तो सेम यूनिट्स होने चाहिए ऐड करने के लिए भी। तो किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करूँगा तो क्या लिखूँगा, 21 किलोमीटर की जगह क्या लिखूँगा, 1000 मीटर प्लस, पहले ऐसा किया प्लस लिखा करें ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 21 किलोमीटर प्लस 103 मीटर, ताकि आपको पता हो कि नेक्स्ट स्टेप में आपने किलोमीटर को किस में चेंज करना है बच्चों, मीटर में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, किलोमीटर को चेंज करें किस में, मीटर में। इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई 1000 मीटर प्लस 103 मीटर आ गया, ठीक है। 21 को मल्टीप्लाई दिया 1 के साथ, आंसर इज 21 1 2 3 1 2 3 मीटर प्लस 103 मीटर आ गया, सेम आ गए ना यूनिट्स। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, 21 103 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बच्चों आपके पास कौन सा है, सी वाला। अब देखें आसान से क्वेश्चन है यार, 1050 मीटर को चेंज करें किलोमीटर में, 6000 मीटर को चेंज करें किलोमीटर में। सबसे पहले आते हैं हम मुन्ने से क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन 1050 मीटर इनटू किस में चेंज करना है बच्चों, किलोमीटर में, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, 1050 मीटर है, ठीक है। अब देखिए मीटर से हमने किलोमीटर में जाना है, मीटर से हमने किलोमीटर में आना है, ठीक है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ का प्रोसेस क्या है, कि आपने डिवाइड करवाना है, और किसके साथ, 1050 को आपने मल्टीप्लाई, और मीटर को हम क्या लिखेंगे, फिर मीटर को हम लिखेंगे 1/1000 किलोमीटर। लो पाजी, ठीक हो गया ये जीरो। अब भले हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको हम जरा रेस कर लें। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1050/1000 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा जी, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, 1050/1000 किलोग्राम, ठीक है। अब 105 अंदर, 100 बाहर, 100 आंसर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। पॉइंट लगाकर जीरो लगाया, फिर नीचे वाली वैल्यू छोटी है, बाहर वाली वैल्यू बड़ी है, तो एक और जीरो लगाकर जीरो लगाया, 105 दा, इधर आ जाएगा बच्चों 500, आंसर क्या आ गया, 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.05 किलोमीटर, ठीक है।
नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल इसी टाइप का था, वो भी कर देता हूँ। 6000 मीटर को आपने बच्चों चेंज करना है इनटू किलोमीटर में। सबसे पहले क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद क्या है, 6000 मीटर को आपने चेंज करना है इनटू किलोमीटर में, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन आपके पास क्या है, 6000 मीटर, 6000, ठीक है। मीटर को मैं क्या लिखूंगा, मीटर से हमने किलोमीटर की तरफ आना है ना, तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1/1000 किलोमीटर से। 6000 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6000/1000 किलोमीटर, ये 3 जीरो, इस 3 जीरो से कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर कौन सा है, ई वाला। सबसे पहले देखें मीटर्स को आपने चेंज करना है सेंटीमीटर में, मीटर को आपने चेंज करना है सेंटीमीटर में। सबसे पहले लिखें सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद 198 मीटर इनटू क्या है, सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपके पास क्या पड़ा है, 198 मीटर, ठीक है। हमारे पास 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। इधर आ जाएगा 198 मल्टीप्लाई, मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, 100 सेंटीमीटर के। 198 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 198 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर कौन सा है जी, एफ वाला, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, सबसे पहले हमारे पास है 500 मीटर 66 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर में करना है, ठीक है। ये देखें 66 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है, ठीक है, तो हमने सिर्फ इसको चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद क्या है, 500 मीटर 66 सेंटीमीटर को चेंज करना है बच्चों, हमने सेंटीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 500 मीटर 66 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखें ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है बच्चों, हम ऐड नहीं कर सकते जब तक सिमिलर ना हो, ठीक है। अब हम इनको एक जैसा करने के लिए करते हैं, 500 मीटर प्लस 66 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखें मीटर को मैंने किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में, तो मैं क्या करूँगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। देखें 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, प्लस 66 सेंटीमीटर। 5 कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 सेंटीमीटर प्लस 66 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जी 5 00 66 सेंटीमीटर, डेट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर जी और एज को देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले देखें 640 सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज करना है, मीटर में। सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज करना है, मीटर में, यानी कि छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ आना है, छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी की तरफ आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद 640 सेंटीमीटर इनटू मीटर, ठीक है। अब देखें सेंटीमीटर है ना 64 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इधर क्या आ जाएगा, 640 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करना है तो 1/100 के साथ डिवाइड करवा दूंगा, इधर आ जाएगा मीटर 640/100 मीटर आ गया, ठीक है। जब मैंने 640 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आंसर क्या आ गया, 640/100, ये 0 0 से हो गया कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 64/100 मीटर, ठीक है। अब देखें 64 को अंदर रखते हैं और 10 को बाहर, 10 6 60 माइनस किया, आंसर क्या आ गया, 4, ठीक है। पॉइंट लगाकर 0 लगाया, 10 4 दा, इधर आ जाएगा बच्चों 40, आंसर क्या आ गया, 0। लें जी हमारे पास आंसर क्या आ गया, 64
मीटर। इस तरफ मूव करते हैं, एच वाला हमारे पास क्या है 98 सेंटीमीटर इंटू मिली मीटर। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन हमारे पास क्या है 98 सेंटीमीटर इंटू मिली मीटर, ठीक हो गया। अब देखें सेंटीमीटर से हमने मिलीमीटर की तरफ जाना है, सेंटीमीटर से हमने मिलीमीटर की तरफ जाना है, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा 98 सेंटीमीटर। लो जी इतना तो क्वेश्चन है। अब सेंटीमीटर से हमने सेंटीमीटर से हमने मिलीमीटर की तरफ जाना है, तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास फिर 98 वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 98 वन द 98 जीरो एज इट इज आ गया मिलीमीटर।